हमने सुबह 7 बजे उठ के हमें बोला जाता था कि वैक्सीनेशन करो 7 बजे। क्या कोई 7 बजे का कोई फिक्स टाइम होता है क्या? क्या महिलाओं के पास खाना बनाने के लिए कोई टाइम नहीं है क्या उनके पास? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है क्या सर? हम तो ये कि शाम को 10 से 12 बजे तक हमने वैक्सीनेशन में काम किया है। अरे 80,000 के पॉपुलेशन पे 6-6, 7-7 एनएम काम कर रही है, उनकी मतलब कोई भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एनएम का काम हो तो एनएम करेगी, एलएचवी डीओ। लंबे समय से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत चिकित्सा विभाग की एलएचवी और एनएम अब सुनवाई नहीं होने, धरना प्रदर्शन की राह के बाद सामूहिक हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। यह ऐलान एलएचवी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान की जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने नागौर कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में किया। संघ की नागौर जिलाध्यक्ष चंद्रकांता के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एलएचवी को पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य दर्शिका यानी एलएचवी को सीनियर सकिल हेल्थ नर्स ऑफिसर पदनाम देने से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके संगठन की इस मांग की अनदेखी हो रही है। इसके अलावा इन पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद 2 साल के प्रशिक्षण से प्री डीएलएड की अवधि पूरी होती है, जो कि तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर है। इसके बाद भी सरकार इन शिक्षकों के समान ग्रेड पे नहीं दे रही, लिहाजा संगठन अपनी मांग को मनवाने के लिए संघर्षरत है। इस दौरान बड़ी असर तो सर ऐसा है कि अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं की जाती हैं, समय रहते हमें मतलब चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या अर्बन, हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। शहरी क्षेत्र में हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। 80,000 के पॉपुलेशन पे 6-6, 7-7 एनएम काम कर रही है, उनकी मतलब कोई भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एनएम का काम हो तो एनएम करेगी, एलएचवी डीओ का काम हो, ये लैब टेक्नीशियन का काम हो, फार्मासिस्ट का काम हो, सब काम एनएम देखते हैं, लेकिन उनकी मांगों को जो उनके मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार को कार्य ही नहीं करना चाह रही। हम सरकार को बता रहे हैं कि हमारी जो मेन मांगे हैं पे ग्रेड को लेके और ये पदनाम को लेके, पदोन्नति को लेके, इनको समय रहते पूर्ण किया जाए, नहीं तो हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारी मांग है कि हमारी एनएम एलएचवी की 3600 पे ग्रेड होनी चाहिए, क्योंकि ग्राम सेवक की जब वो भी 10th 12th पास है और हम भी 12th पास है तो हमारी पे ग्रेड 3600 क्यों नहीं हो रही है? उनको 3600 देने के लिए कह रहे हैं टीचर्स जो कि 2 साल की ट्रेनिंग करता है, जबकि एनएम भी 2 साल की ट्रेनिंग करती है, तो उनको टीचर्स को 3600 पे ग्रेड दी जा रही है जबकि एनएम को क्यों नहीं दी जा रही है? दूसरी मांग हमारी है पदनाम परिवर्तन, जबकि ग्राम सेवकों का पदनाम परिवर्तन कर दिया गया तो एनएम का क्यों नहीं किया गया? एनएम का भी पदनाम परिवर्तन होना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी है कि समय समय पर हमारी प्रमोशन के लिए डीपीसी निकालनी चाहिए, जबकि कई वर्षों से हमारी डीपीसी नहीं निकल रही है। और ग्रामीण चंद्रकांता चिप्पा, जिला अध्यक्ष नागौर। कितना टाइम हो गया, उस टाइम हमने सुबह 7 बजे उठ के हमें बोला जाता था कि वैक्सीनेशन करो 7 बजे। क्या कोई 7 बजे का कोई फिक्स टाइम होता है क्या? क्या महिलाओं के पास खाना बनाने के लिए कोई टाइम नहीं है क्या उनके पास? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है क्या सर? हम तो ये कि शाम को 10 से 12 बजे तक हमने वैक्सीनेशन में काम किया है। अरे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी हमने किया है, क्यों भाई? पर हमें कोई तनख्वाह एक्स्ट्रा देती है क्या सरकार? हम इस सरकार को नहीं मानते, हमारे पे ग्रेड कभी चेंज नहीं करते। थर्ड ग्रेड टीचर तो सुबह 8 बजे स्कूल में आता है तो 2 बजे घर से पे चला जाता है अपने घर पे, उसको कोई टेंशन नहीं कोई रिपोर्टिंग की, उसको थर्ड ग्रेड टीचर के अकॉर्डिंग वेतन दिया जा रहा है। फिर हमें क्यों, हमें इस चीजों से क्यों वंचित रखा जाता है? हमें बार बार फील्ड के अंदर अगर कोई भी सर्वे अगर कोई काम होगा एनएम करेगी, सब कुछ जानती है। अगर सरकार को इतनी नॉलेज है कि एनएम फील्ड के अंदर सबकी इतनी नॉलेज है, इनके पास में एनएम को सब काम वाले को जानती है, इतना विश्वास करते हैं लोग हम पे, तो हमारे हमारी मांगों को भी पूरा करना चाहिए। उनको हम जितना काम करते हैं ना, हमें हम उनकी लाइफ समझना चाहिए, लेकिन सरकार हमारे ऊपर बिल्कुल भी ख्याल नहीं दे रही है। इसलिए हम नारी शक्ति इकट्ठा होकर सरकार के लिए गुजारिश करते हैं, ज्यादा हम अहिंसावादी नहीं बन गए। अहिंसावादी बनने के बाद में हमको ये बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से सेवाएं गाँव में दे रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे भविष्य में देंगे, लेकिन सरकार से एक ही गुजारिश है, हम प्रेम से कह रहे हैं कि हमारी ग्रेड पे चेंज करो, हमारा नाम परिवर्तन करो। अरे हम एलएचयू की पोस्ट पे आते हैं और एलएचयू की पोस्ट पे रिटायरमेंट ले लेते हैं, ये कोई बात थोड़ी ना होती है।
एनएम की फोर्स है, एनएम की फोर्स से रिटायरमेंट होता है, मशीन वो तमाम लोगों द्वारा बना जाता है। आगे हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हो पाता? हम हमारी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी से, कि हमारा साथ दो और हमारी जो मांगे हैं हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारे एनएम को काम परिवर्तन है उसमें तो कोई बिजनेस वहन भी नहीं हो रहा, पैसा भी नहीं लगा सकता, तो हमारा नाम परिवर्तन क्यों नहीं किया जा रहा? अगर ग्राम सेवक वहाँ पे बैठे हैं जो फिक्स टाइम पे दो घंटे आके ड्यूटी कर लेते हैं, उनका नाम परिवर्तन ऑफिसर बन जाते हैं, तो हम गांव में पूरे गांव को 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हजार की पॉपुलेशन को एक इनम उठा के ली जाती है, उसका नाम परिवर्तन नहीं हो रहा है। और पंचायत के अंदर 10-10 सदस्य वो एक गाँव को हैंडल करते हैं, हम एक